हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी. आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन. और यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे टेंसेस के टॉपिक में से. सो दिस टॉपिक इज देयर इन द सिलेबस ऑफ क्लासेस 8, 9, 10 एंड 11. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई हैव कंपाइल्ड 25 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. So you all know the format. I'll give you a question with four options and I'll give you 10 seconds to decide on the correct answer. Once the time is over, I'll discuss the correct answer with you. So you all can make your guesses in the live chat and see how well prepared you are in tenses. तो आप अपनी knowledge judge कर सकते हैं. और अगर आपको tenses के topic में कोई confusion है या आप confident नहीं हैं, तो हमने एक video lesson भी तैयार किया है जहाँ पर हमने tenses का topic detail में पढ़ाया है. तो आप उन वीडियो लेसन से टेंसेस का टॉपिक सीख सकते हैं. तो अब हम टेंसेस का एमसीक्यू शुरू करते हैं. और एमसीक्यू शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ हिट ऑन द बेल आइकन बिलो दिस वीडियो सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द नेक्स्ट अपलोड ऑन इंग्लिश अकेडमी. एंड ऑल्सो फॉलो इंग्लिश अकेडमी ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर इंटरेस्टिंग स्टफ एंड क्विजेज रिलेटेड टू इंग्लिश. अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट. हमारी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हैव बीन, ऑप्शन बी हैड बीन, ऑप्शन सी शैल बी, ऑप्शन डी एम एंड द टाइम हैज स्टार्टेड. तो आप इन चारों वर्ड्स को यहाँ ब्लैंक में डाल के अपने माइंड में ही सेंटेंस को बोलकर भी देख सकते हैं कि कौन सा सही लग रहा है. द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी had been. अब ये रूल हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो टेंसेज हैं, मीन्स दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं एक ही सेंटेंस में, तो जो पहला टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे had been working. और नेक्स्ट जो होता है टेंस वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव जस्ट फिनिश्ड. तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड दी असाइनमेंट. मैं पूरी दोपहर काम कर रहा था और अभी अभी मैंने असाइनमेंट पूरा किया है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू. ऑप्शन है वॉचेस, ऑप्शन बी हैव वॉच्ड, ऑप्शन सी हैड वॉच्ड, ऑप्शन डी वॉज वॉचिंग, द टाइम हैज स्टार्टेड. तो रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू. यहां पर भी हमारे पास दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, एक तो उसने रिव्यू पढ़ा और उससे पहले उसने मूवी देख ली थी. द आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी, रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू, यानी कि रिव्यू पढ़ने से पहले उसने पिक्चर देख ली थी. क्वेश्चन नंबर थ्री, By the next month, we shall dash the project. Option A, has completed. Option B, completing. Option C, completed. Option D, have completed. The time has started. By the next month, यानी कि अगले महीने तक, we shall dash the project. तो आप guess कर सकते हैं कौन सा tense आएगा. यहाँ पर shall use हो रहा है, next month की बात हो रही है. इसका answer है option D. We shall have completed the project. Have क्यों आएगा? Because यहाँ पर we है, that is plural. Plural के साथ हम have use करते हैं. And when we put all the other words in this blank, it is not making any sense. So our answer is option D. It's very obvious. Question number four. He dash daily for a year now. Option A, he exercises daily for a year now. Option B, he was exercising daily for a year now. Option C, he has been exercising daily for a year now. Option D, he have been exercising daily for a year now and your time has begun. तो कौन सा वर्ड मोस्ट सूटेबल है इन चार ऑप्शंस में से, वो आपका आंसर होगा. हरी अप, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड द टाइम इज अप. इसका आंसर है ऑप्शन सी, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ. एक साल से कोई काम चलता आ रहा है और वो अभी भी प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो आएगा ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. क्वेश्चन नंबर फाइव, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग. ऑप्शन ए हैड बीन रीडिंग, ऑप्शन बी हैज बीन रीडिंग, ऑप्शन सी हैव हैड रेड, ऑप्शन डी शैल बी रीडिंग एंड योर टाइम हैज स्टार्टेड. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए,
कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपने उसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर सिंस भी दिया हुआ है, सिंस कौन से टेंस में यूज होता है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से मैं ये किताब पढ़ रही थी। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम हैड की जगह हैव भी एक बेटर आंसर था, ऑब्वियसली हैव बीन रीडिंग भी एक अच्छा आंसर था, पर वो हमारी ऑप्शंस में गिवन नहीं है और हमें गिवन ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर ढूंढना है, तो ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट आंसर। और दोनों में क्या फ़र्क है, ये पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है एंड दैट इज़ वाई वी हैव चूजन दिस एज द आंसर। वी मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 dozen - ₹100, ऑप्शन ए कॉस्ट्स, ऑप्शन बी कॉस्ट, ऑप्शन सी कॉस्टिंग, ऑप्शन डी कॉस्टेड एंड द टाइम हैज स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट यानी कि जो चल रहा है उस रेट के हिसाब से 2 dozen क्या कॉस्ट करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी कॉस्ट, 2 dozen कॉस्ट ₹100। क्वेश्चन नंबर 7। द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन, ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी हैव हैड, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी हैविंग, द टाइम हैज स्टार्टेड। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। द काउंसिल, दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन एंड हियर इट रिप्रेजेंट्स वन ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसके साथ कौन सा वर्ड लगेगा, ऑप्शन सी हैज, द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। जब भी कोई कलेक्टिव नाउन है वो एक यूनानिमस डिसीजन लेता है या एक यूनानिमस एक्ट करता है जो सब लोग सेम करते हैं, तब हम उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। जब उस ग्रुप के लोग अलग अलग बिहेव करते हैं तब हम उन्हें प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर एक्ट हो रहा है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, और हमारा सेंटेंस है व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, सो वी हैव टू टेल दैट विच टेंस इज दिस एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन डी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड द टाइम हैज स्टार्टेड। तो जब मैं बुक स्टोर पहुंची सारी कॉपीज पहले ही बिक चुकी थी, सो ये कौन सा टेंस है, इसका आंसर है ऑप्शन ए पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, मींस काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश असैसिनेटेड, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी हैज बीन, ऑप्शन सी हैव बीन, ऑप्शन डी हैव हैड बीन, द टाइम हैज स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, द वाइज लीडर और पॉलिटिशियन, दे आर जॉइंड बाय एंड, बट आर दे टॉकिंग ऑफ वन पर्सन और टू डिफरेंट पर्सन्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू डिसाइड, एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। ऐसा हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि एक के पहले आर्टिकल यूज़ हुआ है द, दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ, यानी कि ये द दोनों को डिनोट कर रहा है, यानी कि दोनों वर्ड्स एक ही इंसान के लिए यूज़ हुए हैं, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ बीन। क्वेश्चन नंबर 10। सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड, ऑप्शन ए इज़, ऑप्शन बी हैज़, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वॉज, द टाइम हैज स्टार्टेड। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जब दो सब्जेक्ट्स और से जुड़ते हैं तो उनके साथ वर्ब कैसे आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, आंसर है आर ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पर जो सेकंड सब्जेक्ट है जो हमारे वर्ब के क्लोज है ये है हर ब्रदर्स जो कि प्लूरल है, और इसके साथ ही हमारा वर्ब भी टैली होना चाहिए, तो वर्ब आएगा आर, प्लूरल फॉर्म आएगा वर्ब का। क्वेश्चन नंबर 11। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ डैश, ऑप्शन ए has left, option B are leaving, option C have left, option D left and the time has started. The answer to this is option A has left. यहाँ पर हम सिर्फ chief guest को देखेंगे, उसके बाद with his wife है तो हम इसे double नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक additional फ्रेज है
पर हम ये कहना चाहते हैं कि चीफ गेस्ट चला गया है, तो हम कहेंगे हैज लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 12, द न्यूज डैश नॉट अपडेटेड टाइमली. हमारी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वर, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी आर, एंड द टाइम है स्टार्टेड. तो यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि न्यूज़ को आपने सिंगुलर या प्लूरल कैसे ट्रीट करना है, उसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है. इसका आंसर है ऑप्शन सी इज, द न्यूज़ इज नॉट अपडेटेड टाइमली. हम न्यूज़ को एक सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे क्योंकि ये कलेक्टिव सारी न्यूज के लिए यूज हुआ है. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. ईच ऑफ द फोर आर्मी सोल्जर्स डैश फॉर द मिशन. ऑप्शन ए वर रेडी, ऑप्शन बी आर रेडी, ऑप्शन सी वॉज रेडी, ऑप्शन डी हैव बीन रेडी, एंड द टाइम हैज स्टार्टेड. तो जब हम ईच ऑफ यूज करते हैं तो उसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, ये भी आपने रूल्स में पढ़ा हुआ है. इसका आंसर है ऑप्शन सी वॉज रेडी. जब भी हम ईच यूज करते हैं तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा. क्वेश्चन नंबर 14, बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डैश अ स्मार्टफोन. ऑप्शन ए डिड नॉट हैव, ऑप्शन बी डू नॉट हैव, ऑप्शन सी डिड नॉट हैड, ऑप्शन डी डू नॉट हैव, एंड योर टाइम हैज स्टार्टेड. तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि जब मैं अपने गांव में थी मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था. तो कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है ऑप्शन ए, आई did not have, back in my native place I did not have a smartphone. Next question, choose the correct sentence. और आपके options हैं, when I woke up he has already eaten breakfast. option B, when I woke up he had already eaten breakfast. option C, when I had woken up he had already ate breakfast. option D, when I had woken up he has already ate breakfast, the time has started. The best way is you just read out these sentences and I think most of you can identify the answer. Time is up. Iska answer hai option B. When I woke up, he had already eaten the breakfast. Had already eaten is past perfect tense. And when I woke up is simple past tense. We move ahead to question number 16. Identify the tense used in this sentence. Our sentence hai, her brother will walk her down the aisle. Option A, future indefinite tense. Option B, future perfect tense. Option C, present indefinite tense. Option D, present perfect tense. The time has started. Toh aapko batana hai, will walk her. Ye kaun sa tense hai? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. नाउ विल से हमें ये तो पता लग ही जाता है कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है क्योंकि फ्यूचर टेंस में ही हम विल शैल ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं. अब विल वॉक, दिस इज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द अंडरलाइंड फ्रेज. सेंटेंस है द वेदरमैन फोरकास्टेड दैट इट इज गोइंग टू रेन, और गोइंग टू रेन अंडरलाइंड है. तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है. ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन सी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऑप्शन डी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड द टाइम हैज स्टार्टेड. गोइंग टू रेन ये कौन सा टेंस है ये आपको बताना है. इसका आंसर है ऑप्शन डी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे मैम जब यहाँ पर इज लिखा हुआ है तो ये फ्यूचर कैसे हुआ, ये तो प्रेजेंट से रिलेटेड है. लेकिन आप ध्यान से पूरे सेंटेंस को पढ़िए. द वेदरमैन फोरकास्टेड, फोरकास्ट हम करते हैं किसी फ्यूचर चीज़ की, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आया गोइंग टू रेन. गोइंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो, दैट इज कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच विल हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज वाई दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. क्वेश्चन नंबर 18, श्याम एंड हिज ब्रदर्स डैश अ फेमस स्वीट शॉप इन आर नेबरहुड. तो ये एक स्वीट शॉप का नाम है इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला हुआ है. अब यहाँ पर आपको बताना है ब्लैंक में क्या आएगा. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है हैव बीन, ऑप्शन सी है इज, ऑप्शन डी है हैव, एंड द टाइम हैज स्टार्टेड. तो अब आप इस सारे वर्ड्स को ब्लैंक्स में डाल डाल के चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है. इसका आंसर है ऑप्शन सी इज.
ये एक शॉप का नाम है, एक शॉप का नाम है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इज. श्याम एंड हिज ब्रदर्स इज अ फेमस स्वीट शॉप इन आर नेबरहुड. क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ब्लैंक में फिल करना है. सेंटेंस है, जेम्स डैश टू विजिट हर ग्रैंडमदर. ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैव बीन गोइंग, ऑप्शन बी हैड गॉन, ऑप्शन सी हैज गॉन, ऑप्शन डी हैज बीन गोइंग एंड द टाइम हैज स्टार्टेड. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. आपको गो का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म इस ब्लैंक में फिल करना है, जेम्स डैश टू विजिट हर ग्रैंडमदर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स हैज गॉन टू विजिट हर ग्रैंडमदर. क्वेश्चन नंबर 20, द क्राउड दैट डैश ड्यू टू द क्वारल हैज डिस्पर्स्ड नाउ. ऑप्शन ए हैव गैदर्ड, ऑप्शन बी हैज बीन गैदर्ड, ऑप्शन सी हैड गैदर्ड, ऑप्शन डी हैज बीन गैदरिंग एंड द टाइम हैज स्टार्टेड. द क्राउड दैट डैश ड्यू टू द क्वारल हैज डिस्पर्स्ड नाउ, इसका आंसर है ऑप्शन सी, द क्राउड दैट had gathered due to the quarrel has dispersed now. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. By the time she was 15, she dash a beautiful singer. ऑप्शन ए shall become, ऑप्शन बी become, ऑप्शन सी had become, ऑप्शन डी has becoming and your time starts now. तो ये देखिए, इससे हमें पता लग रहा है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है. By the time she was 15, यानी कि पास्ट की बात है कि जब वो 15 साल की हुई थी तब तक वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर बन गई थी. हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, हैड बिकम. तो जब भी हमारे सेंटेंस में दो टेंसेस आते हैं, पहला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, तो दूसरा जो टेंस आएगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस. क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में वर्ब है फॉलो. फॉलो का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने ब्लैंक में फिल करना है, और सेंटेंस है एडम डैश अ हेल्थ रिजीम एवरी डे. ऑप्शन ए फॉलोज, ऑप्शन बी हैव बीन फॉलोइंग, ऑप्शन सी हैज बीन फॉलोइंग, ऑप्शन डी हैज फॉलोड एंड द टाइम हैज स्टार्टेड. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले इन्हीं ऑप्शंस में से ही देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म कौन सा है, फिर क्रॉस चेक करने के लिए उसे सेंटेंस में डालकर चेक कर लीजिए. आंसर है ऑप्शन सी, एडम हैज बीन फॉलोइंग अ हेल्थ रिजीम एवरी डे. नाउ दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो वी नीड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 23, यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट. ऑप्शन ए अज्यूम्ड, ऑप्शन बी अज्यूमिंग, ऑप्शन सी अज्यूम, ऑप्शन डी अज्यूम्स एंड द टाइम हैज स्टार्टेड. तो आप इन चारों वर्ड्स को ब्लैंक में फिल करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा सूटेबल है. इसका आंसर है ऑप्शन सी, यू शुड नॉट अज्यूम द वर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 24, क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम. ऑप्शन ए डिड नॉट वांटेड, ऑप्शन बी डिड नॉट वांट, ऑप्शन सी डू नॉट वांटेड, ऑप्शन डी डज नॉट वांटेड एंड योर टाइम हैज स्टार्टेड. अब यहाँ पे बहुत क्लियर है कि सही आंसर कौन सा है, क्योंकि सारी ऑप्शंस में वांटेड वांटेड आ रहा है, जो कि सही नहीं है. आर आंसर इज ऑप्शन बी, डिड नॉट वांट. क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में वर्ब है प्लान. प्लान का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने यूज करना है, और हमारा सेंटेंस है मोनिका डैश सिंस लास्ट वीक. ऑप्शंस है, ऑप्शन ए डिड प्लान, ऑप्शन बी हैज बीन प्लानिंग, ऑप्शन सी हैड बीन प्लानिंग, ऑप्शन डी वाज प्लानिंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो अगेन यू कैन लुक फॉर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. आंसर इज ऑप्शन डी, वाज प्लानिंग. Had been planning is past perfect continuous, has been planning is present perfect continuous, did plan is past perfect tense. So we want past continuous tense, that is option D. इसे हम sentence में लगा कर भी देख लेते हैं. Monica was planning since last week, तो ये ठीक बैठ रहा है. Our answer is option D.
And with this, students, we come to an end of this session of tenses MCQs. I hope you like this video. If you liked it, please hit the like button and share this video with your friends. And also follow English Academy on social media platforms for interesting stuff and trivia related to English. With this, this is me, Ruchika, signing off. And till we meet next, take care and goodbye.